आई उड़ा रही थी का एवं आवाज़ चाहिए आवारा टेलर यम गाना नाम जब यह घड़े दस जब घड़े दस खप चटा तच चटा तवा कपाया सस सारा हाल डीमे डीमे ड्रीमे कर डीमे डीमे ड्रीमे बोले नाथ पानी के पानी दिसी ने देखा कह रही इसमें तो सब सातों सुर है और लय है पांच जातियां लय का चतुस्तर खंड तीसर निस्तर संकीर्ण पांचों जातियां इसी में हैं और जितने शब्द हैं सब इसमें अक्षर हैं कोई बाकी नहीं है। आई उ ए ऐ ओ ओ अंग ईश्वर है ऐसी में चार मात्रा पांच मात्रा छह मात्रा सात मात्रा नौ मात्रा ये पांच जातियां हैं। तो पहले आई उण नादि दिन्ना नादि दिन्ना नादि दिन्ना पहले तीन ताल सबसे बड़ा ताल फिर उसके बाद एक ताल रिल री कर धिन धिन धा धा तुन्ना कत्ता धगित धिन्ना धिन धिन बारह मात्रा उसके बाद ए ओ आई उच ए ओ आई उच धीना धी धीना तीना धी धीना दस मात्रा फिर हय वरट लड़ हय वरट लड़ ती तीना धीना धीना ती तीना धीना धीना सात मात्रा फिर खप छठ थ छठ तव नौ मात्रा तो रचि महेश निज मानस रागा रचना करके भगवान शंकर ने अपने मन में रखा और उसको डमरू के द्वारा निकाला। इसीलिए काशी के संगीत का महत्व ज़्यादा है क्योंकि जहाँ कहें मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खानी अघहानी कर और जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसन जहाँ आके बस गए भगवान शंकर उस काशी को क्यों सेवा न करें। हमको कई लोग कहे कलकत्ता चल रहिए बम्बई रहिए दिल्ली रहिए हमने कहा नहीं चना चबैनी गंगा जल चना चबाने के लिए मिल जाए और गंगा का पानी पीने को मिल जाए चना चबैनी गंगा जल जो पूर्व ही करतार तो काशी कभी न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। तो भगवान शंकर का दरबार छोड़ने का मन नहीं करता है इनसे प्रेम हो गया शंकर जी। हरि अवध में बाजेला बधैया मावर में बाजेला बधैया हो रामा अवध नगरिया अवध में बाजेला बधैया। बनारस का तीन नाम है काशी और वाराणसी और बनारस। काशी क्या है भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है। अब महत्व यहाँ का क्या है कहें जहाँ के संगीत का रस हमेशा बना है कभी बिगड़ता नहीं वो है बनारस। ये माँ गंगा का स्थान है भगवान शंकर का इनके जटा से निकली हैं माँ गंगा मुक्त दायनी है जीवन दायनी है। इतना सुंदर लगता है काशी आप खड़ा होकर के देखेंगे तो हर जैसे माला होता है हार ऐसे इनका हर तरफ से घेरा है। तीर तीर देवन कर मंदिर पूरे तीर तीर गंगा के हर जगह मंदिर है देवताओं का। रसई श्रृंगार करुण हास रौद्र भयान कई बीराद बीरसी युक्तम काव्य में तद गायताम। तो सबसे श्रेष्ठ माना गया है श्रृंगार रस। अब बनारस में श्रृंगार रस प्रधान ये शहर है यहाँ सब श्रृंगार करते हैं। पाँच बजे भोर से ही चार बजे से लोग जाके गंगा में स्नान करेंगे अब माला पहनेंगे चंदन लगाएंगे ये श्रृंगार हुआ श्रृंगार करेंगे और हर हर महादेव का नारा लगाएंगे। यहाँ मोक्ष मिलता है इसलिए लोग आते हैं यहाँ रहने की मरे तो मोक्ष मिले। ये शंकर जी का ऐसा कृपा है गंगा का कृपा है तो मुक्ति जन्म ये पृथ्वी यहाँ की ऐसी है कि इस पर मुक्ति होती ही है। मुक्ति जन्म मही जान मही माने पृथ्वी और ज्ञान खानी और ज्ञान के खानी यहाँ एक से एक विद्वान हुए हैं और अघहानि कर पाप यहाँ धुल जाता है और जहाँ बस शंभु भवानी जहाँ आके भगवान शंकर पार्वती बस गए कैलाश छोड़ करके सो काशी से ये कसन तो यहाँ तो मुक्ति हो ही जाती है।
ये सारे गामा पता नहीं सात स्वर जो है ये क्या है। सा पहला सुर है और पहला संगीत सोहर है, तो सोहर जन्म में सोहर गाया जाता है और मरने में निर्गुण गाया जाता है। तो जन्म में जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, रामायण में है जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, और संपत्ति विपत्ति करम अरुकालू, धरणी धाम धन पुर परिवारू, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए अगुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। सब मोह का अज्ञान का जड़ है, परमार्थ नहीं है। परमार्थ क्या है कि सखा परम, लक्ष्मण जी कहते हैं सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू, राम के शरण में जाओ यही सबसे बड़ा परमार्थ है। ये हम लोग सपना देख रहे हैं, इस संसार में सपना है, न हम रहेंगे न आप रहेंगे, जितना रूप दिखाई दे रहा है कोई नहीं रहेगा। एक हड्डी पड़ी हुई थी गंगा के किनारे रेत पर, और उसी का दोस्त जो जिंदा था वो गया, तो उसी अपने दोस्त की हड्डी को देख करके घृणा करने लगा, नाक दबा रही तो महक रही है, अगर छुआ जाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। तो हड्डी कहती है हे प्रभु हमको जवान दे दीजिए, हम जरा इसको समझा दें कि संसार क्या है और शरीर क्या है। कि एक हड्डी मुझसे करण लगी बयान बारे बलमो, थी पड़ी रही सुरसर के रेत मैदान बारे बलमो। माने आध्यात्मिक कजरी है, तो बोली हड्डी सुनो यार, हे दोस्त सुनो, क्यों हमको देख घिनाते हो और पास हमारे आते हो, थू थू कर नाक दबाते हो। कि महक रही है, बचा बचा कर पग धरते, छूने से बहुत डराते हो, अगर कहीं धोखे से छू गए तो फिर जाए नहाते हो। क्या शुद्ध हो गए, अरे यार थे हम भी कभी इंसान बारे बलो। देखिए क्या चीज है कि सोचेगा तो पूरा संसार और शरीर का ज्ञान मालूम हो जाएगा। तो फिर हड्डी कहती है कि जब हम जिंदा थे तो मलकर साबुन तेल इसी तन पर हम रोज नहाते थे, हम लोग सब लोग नहाते थे, और पहरने के खातिर गहने कपड़े बनवाते थे, आते थे मिलने को लोग जैसे आप आए हैं, और हम भी मिलने जाते थे, सभा राज दरबार में जाकर मान बढ़ाई पाते थे, और अब मरघट पर खाते सूकर स्वान बारे बलमो। उसी शरीर को कुत्ता सियार खा रहा है मरने के बाद। हुए अंग बेकार सकल, जब निकल गई यह ज्योति है, प्राण निकल गया सब बेकार गया, तो कहाँ गए सब सगे वो साथी, कहाँ वो हीरा मोती है, अपने ही स्वार्थ के लिए प्यारे ये दुनिया रोती है, अब मरने पर इस देह मात्र की तीन गति बस होती है, क्या गाड़ो फेंको या जला दो बीच मशान बारे बलो। यही तीन गति होने तीन शरीर की होती है, जला देते हैं या पानी फेंक देते हैं या गाड़ देते हैं। त्रिभुवन के सुख दैयाव रामा, त्रिभुवन के सुख दैयाव रामा। संगीत का कोई धर्म नहीं है, संगीत जानने वाला जात पात से का भेद नहीं रखता है, वो सबको एक समझता है। संगीत माने ईश्वर के पास पहुंच जाना, और जब पहुंच गया तो सब मम प्रिय सब मम उपजाया, भगवान कहते हैं कि सब हमारा प्रिय है, सबको मैंने पैदा किया है, सब पर मोर बराबर दया, सबको बराबर दृष्टि से देखना चाहिए और जात पात का भेद हटा देना चाहिए, तभी प्रेम रहेगा। और जब जब तक जात पात रहेगा तब तक प्रेम नहीं रहेगा, आपस में मतभेद होगा, वही सब हो रहा है। प्रभु ने रखे राम छवि, हरि पुनि पुनि ले तबलैया हो रामा, पुनि पुनि ले तबलैया हो
हो रामा रे है पुण्य भूमि ले तबल आओ राम हो रामा रे पुण्य पुण्य ले तबल आओ हो रामा अवध अवधम बागे लाभ आओ रामा अवध नगरिया अवधम बागे लाभ आओ हो रामा अवध नगरिया अवधम बागे लाभ